दोस्तों तो घर बैठे दर्शन के लिए देख सकते हैं, घर पर की शिव भगवान का। और दोस्तों यहाँ पे बना दिया भाई फूड प्रेस, देख सकते हैं काफी सुंदर से बनाया है। और पानी भी क्या जबरदस्त लग रहा है, देख सकते हैं आसपास सुंदर लग रहा है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग पूरे चारों तरफ देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक करके विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग करके दिखाऊंगा मैं दोस्तों। तो देख सकते हैं तालाब में बीच बीच में आपको ये मूर्ति देखने को मिलेगा, देख सकते हैं जबरदस्त बनाया गया है, बीच बीच में काफी सुंदर लग रहा है इसे। स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग को ले जाने वाला हूँ उधर शिवा, यहाँ पे चरोदा गांव में काफी खूबसूरत सा शिव मंदिर है मुक्तेश्वर धाम, और वहाँ पे तालाब को भी सौंदर्यीकरण किया गया है खूबसूरत से, जहाँ पे आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और वहाँ का जानकारी लेते हैं कैसा है क्या है, देखते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं टाटी रोड से अपन सीधा जाएंगे बंजारी माता वाला रोड में, ले जाएगा गिरगांव भाजपुरी वाला रोड में से लेके जाएगा ये वाली रोड, और फिर तो सीधा ही चलना है, और सीधा सीधा चल के वही पार बंजारी माता पार कर चुके हैं बंजारी माता मंदिर को। और ये देख सकते हैं सामने भाई रामा भाटा करके लिखा हुआ है, और आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा भाई बाईपास रोड, तो वहीं पे चढ़ना है, वहाँ से अपने को सिलतरा है और क्या क्या होता है उसको दुनिया भर को पार करते हुए जाते जाना है, पार करके सीधा चलना है। और कल भाई घरौंदा लग रहा है, देख सकते हैं 16 दिसंबर में हम कहा कृष्णा घरौंदा फिल्म लग रहा है, छत्तीसगढ़ी फिल्म तो ज़रूर जाके देखना। मैं भी छत्तीसगढ़ी हूँ लेकिन क्या है व्लॉग में हिंदी में ही बनाता हूँ, मैं हिंदी में ही बनाता हूँ छत्तीसगढ़ी, अब हिंदी में बना रहा हूँ शुरू से तो हिंदी में बना रहा हूँ भाई छत्तीसगढ़ी बोलूँ तो बोल भी सकता हूँ मैं यहाँ, खैर वो बात नहीं है, लेकिन जाना अपन की तरफ से जैसे चढ़ चुके हैं अपन बाईपास रोड में आ चुके हैं उधर से सीधा बंजारी माता वाले रोड से, अपने को सीधा ही सीधा चलना है दर्शनों के लिए। मैं देख सकते हैं भाई सीधा तो रोड है लेकिन टोल रास्ता इतना है ना क्या क्या बताया भाई, तो हालत इतना ख़राब हो चुका है टोल रास्ता के कारण। ये आपको ले जाकर जाएगा भाई जहाँ बिलासपुर, सीधा बिलासपुर के लिए गया है सीधा, और यहाँ पर सीखा है उनका जो पेपर बिताया था सुबह कर लिखा है भाई सीधा जाना है, पेट्रोल टंकी है और सीधा सीधा अपने को जाएगा बिलासपुर के लिए, लेकिन अपने को यही देव तक कटना है यहीं से, और रास्ता है लाइट है यहीं से कटना है, पानी पानी लगे हुए हैं। यहीं रुकना है कहीं जाना है, देखते हैं देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं तालाब है सुंदर सा, इसको क्या सुंदरीकरण किया गया है भाई, और यहाँ पास बीच बीच में देख सकते हैं राम लक्ष्मण सीता, और थोड़ा सा फुट बना है ब्रिज जैसा, और नाव भी है, नाव का सुविधा है देख सकते हैं, नाव भी है यहाँ पे, आपको 20 रुपये चार्जेस लगेंगे वहाँ का। ये देख सकते हैं कुछ लोग घूम रहे हैं नाव में, ये देख सकते हैं भाई नाव का विहार भी आप लोग कर सकते हैं, और बीच में टापू जैसा बना है वहाँ जाके आप फोटो वोटो क्लिक करवा सकते हैं सुंदर सा। दोस्तों तो मैं पहुँच चुका हूँ देख सकते हैं यहाँ पास ब्रिज के पास, फुट ब्रिज के पास, तो देखते हैं तो अंदर जाते हैं यार यहाँ से, और देख सकते हैं बीच में टापू जैसा बना है यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इतना बड़ा फुट ब्रिज बना हुआ है और ये देख सकते हैं लंबा, तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ, देख सकते हैं फुट ब्रिज ये बना हुआ है और अंदर काफ़ी पानी साफ़ सुथरा है यार अच्छा, और यहाँ नाव भी है देख सकते हैं, फुट ब्रिज है काफ़ी सुंदर से बना दिया यहाँ पे टापू जैसा, और यहाँ बैठने बैठने के लिए भी चेयर वेयर लगा है, तो यहाँ पे आप कुछ खाने पीने के लाएँ तो खा भी सकते हैं, और डस्टबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे साफ़ सुथरा, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से भाई जीर्णोद्धार इसको बना दिया है, खूबसूरत सा पेड़ पौधे लगाए हैं ये देख सकते हैं, और चेयर आपको जगह जगह मिल जाएंगे जहाँ आप कुछ पल बैठ के यहाँ बिता सकते हैं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का तालाब का, और आसपास और सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है फिर और काफ़ी अच्छा लगने वाला है, और बीच बीच में देख सकते हैं ऐसा मूर्ति बना दिया गया पानी के बीचों बीच, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा आ रहा है, ये देख सकते हैं कृष्ण भगवान को लेके यहाँ पे बनाया गया है देख सकते हैं, और आसपास बाकी बीच को तो अच्छा बना दिया है लेकिन बाकी आसपास को और अच्छे से बनाने की ज़रूरत है, ये देख सकते हैं पूरा, और यहाँ पास देख सकते हैं नाव, नाव भी चल रहा है देख सकते हैं, नाव का भी काफ़ी अच्छे से सुंदर
नज़ारा दिखाई दे रहा है, बीच में देख सकते पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे सब चीज़। तो दोस्तों ओवरऑल तो ये सब चीज़ बेहतरीन से बना दिया गया है। तो दोस्तों अपन आ चुके हैं, अब देख सकते हैं भाई मुक्तेश्वर धाम शिव मंदिर में, यहीं से चरोदा में, इसका देख सकते हैं इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, जिसको आप क्रॉप करके पढ़ सकते हैं। और इसका उद्घाटन अभी हुआ है, ये देख सकते हैं मंदिर का ऊपर का, ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा मंदिर यहाँ पर बना दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु भगवान का पूरा दस अवतार वाला सीन भी यहाँ पे है, और पूरा मंदिर है। और यहाँ पास है जल कुंड, जिसको मैं आपको थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा पूरा 12 ज्योतिर्लिंग, और ये देख सकते हैं ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा यहाँ। तो दोस्तों अभी चलते हैं फिर वाले मंदिर में, मंदिर के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं मंदिर के सामने में आपको नंदी दिखाई देगा, बड़ा सा नंदी महाराज है, शिव भगवान मंदिर के सामने में ही है, बेहतरीन सा खूबसूरत सा। दोस्तों तो अपन चलते हैं अंदर, देख सकते हैं गर्भगृह में, और गर्भ भी यहाँ पे भाई शिव मंदिर है। उसके बाद मैं आसपास और देवी देवता है उनको भी आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यह है गर्भगृह, यह देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा और बड़ा सा शिव भगवान है भाई, मुक्तेश्वर धाम देख सकते हैं, बेहद ही सुंदर यार, बेहद ज़बरदस्त। और यहाँ पास भी ब्रह्मा गणेश इन लोग का मूर्ति लगा हुआ है, ये देख सकते हैं भाई, करीब से देखिए, घर बैठे दर्शन करिए आप लोग मुक्तेश्वर धाम। दोस्तों तो ये है देख सकते हैं मुक्तेश्वर धाम, जबरदस्त बनाया गया है, जबरदस्त स्थिति से भाई, क्या जबरदस्त लगा यहाँ आके, मन को संतुष्टि हुआ, जबरदस्त मुक्तेश्वर धाम। तो दोस्तों यहाँ पास है देख सकते हैं राधा कृष्ण, ये देख सकते हैं राधा कृष्ण घर बैठे दर्शन करिए दोस्तों। और ये है एकादशी, माँ एकादशी देख सकते हैं भाई, ये देख सकते हैं माँ एकादशी का दर्शन करिए दोस्तों। तो यहाँ दुर्गा मैया, और यहाँ पास है आपको नवग्रह देख सकते हैं भाई, नवग्रह ये देख सकते हैं भगवान घर बैठे दर्शन करिए दोस्तों सभी का। दोस्तों तो ये पूरा सामने का वो है पूरा, देख सकते हैं भाई जबरदस्त प्रांगण। दोस्तों तो यहाँ पास हनुमान जी देख सकते हैं, हनुमान जी जय बजरंगबली घर बैठे दर्शन करिए दोस्तों। दोस्तों तो यहाँ पास है राम दरबार देख सकते हैं, राम लक्ष्मण सीता मैया घर बैठे दर्शन करिए दोस्तों, इन सभीयों का आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ये देख सकते हैं यहाँ पास बजरंगबली भी है हाथ जोड़े हुए। तो दोस्तों यहाँ पास है शिवलिंग महाकालेश्वर, तो हम 12 ज्योतिर्लिंग पूरा दिखाने वाले हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं अंदर पूरा 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, कुंड के आजू बाजू में, और कुंड का पानी हमेशा रहता है ऐसे करके बताते हैं, देख सकते हैं बीच में काफ़ी सुंदर सा बना दिया गया है। तो यहाँ पर भाई देख सकते हैं त्रिलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग, इनका डिटेल पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं त्रिलिंगेश्वर। और यह ओंकारेश्वर है देख सकते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुआ है इसका है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं बीच का काफ़ी सुंदर सा दृश्य है दोस्तों, और पानी काफ़ी शुद्ध और पवित्र माना जाता है यहाँ कुंड का, यह मल्लिका अर्जुन देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों तो पूरा ज्योतिर्लिंग का आप बारी बारी से देख सकते हैं, यहाँ पास पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं भाई, ये है केदारनाथ, ये है वैजनाथ, यह योगेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों पूरा ऐसी दिखाई देगा, और वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। डिटेल के साथ है भाई।